और एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये पियाने बजा रहा है, एक मिला के दिखाओ ना यार। पता नहीं क्यों शादी का इससे डर रहा है, देखो। हाय गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। फिलहाल 7:46 टाइम हो चुका है, मैं वीडियो इधर अपलोड दे चुका हूँ, अपलोड देख के दूसरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये अलग वीडियो है। 8 बजने के साथ ही साथ वीडियो पब्लिश हो जाएगा। और आज का प्लान कुछ ऐसा है, 2-3 दिन से सोच रहा हूँ एक जगह जाऊंगा, अभी नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, बट देखता हूँ क्या होता है। और गाइस, आज जो बाहर धूप आया है ना, वो खतरनाक वाली धूप आया है, मेरे को लगता है 37 डिग्री गर्म होने वाला है। ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कितना समझ पा रहे हो पता नहीं। तो अभी गाइस, मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, इधर मस्त खाना बन गया यार। इधर है बैंगन आलू और मछली का सब्जी, और इधर है चावल, और इधर है मिर्ची जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। खाने में अगर मिर्ची ना हो ना तो यार खाने का कोई मजा ही नहीं होता है। चलो भाई, पहले खाना वाना कम्प्लीट कर लेते हैं। सौरभ भाई के डॉग के गुस्सा देखना। सौरभ भाई का ब्लॉग देखना भी हो गया है। अभी मेरे को रूम साफ करना है, ईद के दिन में रूम साफ किया था, उसके बाद रूम सफाई नहीं किया, इतना गंदा हो चुका है ना, अभी जल्दी से रूम सफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर पट्टी तो उठा चुका हूँ, और इस टेबल के लिए हर दिन मैं मम्मी के डांट सुनता हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद गंदा हो जाते थे। यार काटा उटा इधर फेंक के क्या कर दिया, मम्मी फिर से आके अभी मेरे को डांटेगा। चलो यार, अभी के लिए सब कुछ निकल चुका हो, सूखने दिया हो, शाम के वक्त जब सूख जाएगा सारा कुछ रूम में ला के डिसिप्लिन करना होगा। अभी तो डिसिप्लिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी सूखने दिया हो ना। लिटरली गाइस, यार बाहर देखो कितना तेजी से धूप आया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुका है बाहर। और लकड़ी सुखाने दिया हो इधर, एक प्रॉब्लम है गाइस यार, यहाँ पर देख सकते हो केले के पेड़, और नीचे ना इतना ज्यादा चींटी है, चींटी की वजह से सबसे बड़ा वाला जो केले के पेड़ था ना, ये वाला और ये वाला दोनों कल गिर गया। इस पेड़ में केला आने वाला है, और कुछ दिन जाने के बाद इस पेड़ में भी आ जाएगा। बट यार नीचे से ना यार चींटी क्या करते हैं, मिट्टी हटा लेते हैं, इसलिए मेरे को चींटी मारने का दवाई लाना पड़ेगा। अभी वो दवाई देके केले के पेड़ बचाना है, मतलब मस्त केले का पेड़ है। पापा के साथ किसी ने यार धोखेबाज किया है। यहाँ पर देखो 50 रुपया का नोट है ना, यहाँ पर देख सकते हो अंदर से। तर अभी छत के ऊपर साफ करने के लिए उसको उठा दिया हूँ, अभी वो मेरे को उठना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको उठा दिया हूँ। अभी काम करता हूँ, एक एक करके सारा सामान ऊपर से नीचे लाना है। चलो भाई, दवाई भी ला चुका हूँ, मशीन भी ला चुका हूँ, बोतल भी रेडी है, पहले दवाई दे लेता हूँ। ये ढक्कन को खोल के ना, ढक्कन की जगह पर ये वाला मशीन लगाना है, और बोतल के अंदर पानी लोड करके वहाँ पर देना है। और ये है मेन दवाई, 10 किलो पानी के साथ 1.5 मुका दवाई डालना है। ओ भाई यार देखो, फोटो दे चुका है किसका। बट यार गाइस, एक प्रॉब्लम है, अभी मैं दवाई देने के लिए जाने वाला था, बट यार मम्मी ने बोला कि अभी नहीं दे सकते हो, अगर दोगे ना मुर्गी जितना सारा है सारा मर जाएगा। मैं चींटियां मारने के लिए दवाई दूंगा, चींटियां तो मरेगा लेकिन मुर्गी जाके चींटियां खाएगा, मुर्गी भी मर जाएगा साथ में, इसलिए अभी मैं इसे रख देता हूँ, मेरे को शाम को देना। पता नहीं क्यों शादी का इससे डर रहा है, देखो क्या है इसके अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों डर रहा है इससे। आज यार जितना प्लान किया वो सारा प्लान कैंसिल हो रहा है। सबसे पहला प्लान था कई बार जाने का, इतना तेज धूप आया है ना, सोच रहा हूँ कि जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मतलब कपड़ा अगर पहनूंगा ना तो इधर बहुत तेजी से गर्मी लगेगा। दूसरा प्लान था पेड़ में दवाई देने का, वो भी कैंसिल हो गया, मम्मी ने मना कर दिया नहीं देना है, अगर दोगे तो मुर्गी मर जाएगा सारा। अब बाहर जाओ, बाहर भी गर्मी है, क्या करो, अभी बाहर कोई लोग भी नहीं है, एक जगह पर ठंडा मिलते हैं बट यार वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी है, अकेला मैं ही सिर्फ घर में बैठा हूँ। इधर शादी का ना यार अपना काम में बिजी रहता है। शादी का क्या कर रहा हो, हाँ जो भी सवाल करता हो सबका आंसर है हाँ हाँ हाँ, एक ही सीख लिया, अभी दूसरा कुछ नहीं बोल पाते। ये कैसे खराब कर दिया, ये मतलब नया है बट खराब कर दिया, यहाँ से देखो उठा दिया, कपड़ा उड़ा दिया यहाँ से, अभी कितना गंदा लग रहा है देखने में। अभी बस मैं यही ऐसा करता हूँ कि गर्मी थोड़ा सा कम हो जाए, बस उसके बाद कहीं पर निकलना है, कहीं पर भी जाना है। चलो भाई डिसीजन ले चुका हूँ, घर में तो नहीं रहना है, चाहे कोई हो या ना हो, बट यार बाहर ही रहना मेरे को, बाहर भी यार अच्छा नहीं लगता है। सारे लोग चला गया, जितने लोग था बाहर ना यार सारे लोग चला गया, कोई भी नहीं है, तो काफी टाइम बैठा था, इधर कोई आ भी नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा चलो घर चलते हैं। अभी रूम में आके यहाँ पर बैठा हूँ तो एक चीज मेरे को नोटिस हो रहा है, यहाँ पर दाढ़ी देखो यार, यहाँ पर छोटा है यहाँ पर बड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जिस दिन काटा ना उस दिन माइंड नहीं हो रहा था। फिलहाल 1:48 टाइम हो चुका है और काफी ज्यादा भूख लग चुकी है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद खाना तो यार खत्म कर दिया, सुबह ही सुबह का खाना सुबह खत्म हो गया, अभी दोपहर हो चुका है,
अभी दोपहर में खाना नहीं बना है, ठीक है, तो इसलिए मैं बाजार से मैगी ला के मैगी पका के खाऊंगा। चलो भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, जल्दी करके मैगी लाते हैं, फटक से बना के खाते। चलो भाई यार पांच पांच मैगी ले लिया हूँ, अभी यहाँ से भागना है जल्दी मेरे को। चलो भाई एक एक करके डाल देते हैं। अरे गिर गया। ठीक है तुम थोड़ा सा दूर रहोगे, मैं बना के तुमको देने वाला हूँ। उधर रखो, उधर यहाँ रखो। अरे यार प्लास्टिक भी साथ में दे दिया यार, याद ही नहीं था मेरे को। शट यार कितना सारा गिर गया है। अब देखो यार कितना मजेदार हो गया, अब इसी खाने का मन कर रहा है, भूख बहुत ज्यादा लग चुका है ना। चलो यार ये वाला पाउडर मिक्स कर देता हूँ, ये ज्यादा देने से अच्छा नहीं लगता, एक ही देने वाला। चलो चलो यार भाई मस्त रेडी हो गया है, ये एक नंबर का हो गया, पेट भर गया है। जब तक मेरे मुंह में स्वाद था ना तब तक मैं खाता ही रहा, अभी थोड़ा कुछ बाकी रह गया मैं खा नहीं पाया। पेट भर गया और खाना है नहीं। शादी का भी और नहीं खा पाएगा, मैं भी और नहीं खा पाऊंगा। और फाइनली हमारा रूम भी काफी हद तक क्लीन हो चुका है, अभी लाइट फैन सब कुछ ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बाहर है यार। दो मिनट के अंदर ऐसा मौसम हो गया है ना, अभी लग रहा है कि अलग दुनिया में आ चुका हूँ भाई साहब। यार देखो बारिश आने वाला है ऐसा लग रहा है। कुछ लकड़ी है, ये सब लकड़ी उठा लेता हूँ मम्मी के साथ, अकेला मुश्किल हो गया उठाना। लकड़ी के अंदर चींटी देखो यार, इतना जोर से काटते है ना यार, पूरी की पूरी जगह पर चींटी है, यहाँ पर वहाँ पर चींटी ना, ये इन सब के अंदर रहता है। और मैं तो भूल ही गया था मेरे को केले के पेड़ के अंदर दवाई देना है, उसका मशीन तो ऊपर रखा हूँ। एक काम में दो काम हो जाएगा, अभी मिक्स कर लेता हूँ, लकड़ी में भी देना है और केले के पेड़ में भी देना है। इस ढक्कन के दो ढक्कन दे चुका हूँ और 10 किलो पानी डालना है मेरे को यहाँ पर। ओ भाई पानी देने के साथ ही साथ व्हाइट कलर का हो गया, दवाई लगाना खत्म हुआ ही नहीं, अभी बारिश आ चुका है। चलो यार कोई बात नहीं, अगर काम होते हैं तो हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो और भी बहुत सारा दवाई पड़ा हुआ है। तो गाइस फिलहाल शाम हो चुका है और मैं घर से निकल चुका हूँ, और इधर है इलियास वहाँ पर देख सकते हो, और हसन भी आने वाला है। चलो यार भाई हसन आ चुका है, लेकिन हसन को कहीं और जगह जाने का प्लान था, उसको पता ही नहीं था कि हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं। तो यार भाई फाइनली मस्त जगह पर आके पहुंच गया हूँ, इलियास पकोड़ा खाने में बिजी है। और एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये पियाने बजा रहा है, एक मिला के दिखाओ ना यार। गाइस यार आप लोग गैस करके कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा गाना का हो सकता है ये पियानो। मैं तो आइडिया कर लिया हूँ, लेकिन देखता हूँ आप में से कौन कौन आइडिया कर पाते हैं। अभी हम लोग ना यहाँ पर सुबह सुबह का एक वीडियो बना रहा है, पास नहीं जा सकता हूँ, चूहा उधर अपना घर बना रहा है और ओला कैप्चर करने के लिए हसन के उधर मोबाइल रख के आया है। तो चलो अभी हम लोग का जाने का टाइम आ चुका है, मतलब यहाँ पर घर बना रहा था ना हसन, इस एंगल से मोबाइल को वहाँ पर रखा गया था, वहाँ से वीडियो हो रहा था। तो गाइस फाइनली घर आके पहुँच गया हूँ, सेवस के 57 मिनट टाइम हो चुका है, अभी मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठने वाला हूँ। तो आजकल बस इतना ही, मैं अच्छा करता हूँ, ये वाला ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए मस्त और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा। कैजर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं।